दिल्ली में अमानतुल्ला खां की जीत यूपी के मेरठ में उनके परिजनों के लिए महंगी पड़ गई। अमानतुल्ला खां के परिजनों का आरोप है कि उन्होंने अमानतुल्ला की जीत की खुशी में मिठाइयां बांटी तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और जमकर पिटाई कर दी। यह आरोप अमानतुल्ला खां के परिजनों और रिश्तेदारों ने खुद वीडियो जारी कर लगाया। अमानतुल्ला खां के परिजनों और रिश्तेदारों का कहना है कि योगी की पुलिस ने मारपीट करने के साथ अभद्रता भी की है। उनका आरोप है कि हम दिल्ली की ओखला विधानसभा सीट से अमानतुल्ला खां की जीत पर जश्न मना रहे थे और मिठाई बांट रहे थे, तभी पुलिस वहां पहुंची और अभद्रता और मारपीट करने लगी। दिल्ली में जो आज इलेक्शन का रिजल्ट आया है उसमें हमारे भाई अमानतुल्ला खान ने जीत हासिल की है। इसी खुशी के दौरान हमारे कुछ रिश्तेदारों ने मिठाई बांट रहे थे, अचानक से पुलिस आ गई जिससे उनमें अफरा तफरी मच गई। इससे शोर शराबा मच गए और हमारे चाचा सो रहे थे, फिर हमने उनको उठाया और बोला चाचा बाहर देखो क्या हो रहा है। हमारे चाचा बाहर गए और ये बोले कि ये तो खुशी की मिठाई है ना कि ये प्रोटेस्ट हो रहा। ये सुनकर पुलिस वालों ने चाचा को का गिरेवान पकड़ लिया और फिर पुलिस वालों ने चाचा को ज़बरदस्ती घसीट कर गाड़ी में ले जाने लगे और ये बोला कि तेरी नेतागिरी तो हम निकालेंगे, कहाँ का नेता बनता फिरता है तू। इसी दौरान हम सब इकट्ठा हो गए, मेरी चाची और हम, मेरी फूफी, मेरी सारी कजिन, हम कार के पास पहुँचे। हमने चाचा को कार से नीचे उतारा और हमने बोला, फिर हमने चाचा को कहीं दूर भेज दिया। इसी दौरान पुलिस ने मुझे अपने कब्जे में ले लिया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे घसीटते हुए मुझे बाहर ले जाने लगे। मैं बहुत चीखे चिल्लाई कि मुझे कहाँ ले जा रहे हो। ये बोले कि बता तेरा चाचा कहाँ है तेरा नेता, हम उसे बताएंगे। मैं बहुत गिड़गिड़ाई, मैंने हाथ जोड़े उनसे, मैंने कहा कि मेरी बात तो सुनो, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। उन्होंने कहा नहीं, हम तेरी एक नहीं सुनेंगे, हम तेरी, तूने ये जो डंडा देखा है ये बहुत ज़ोर सा लगता है। वहीं यूपी पुलिस ने मारपीट करने के आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है। पुलिस ने सफाई दी है कि बिना अनुमति के जुलूस निकाला जा रहा था। उनको ये समझाया भी गया था कि ऐसा कोई काम ना करें जिससे माहौल खराब हो, इसके बाद उनको सिर्फ रोका गया है। पुलिस का कहना है कि बिना इजाजत जुलूस निकालने के आरोप में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल मामले की विवेचना की जा रही है और मारपीट के आरोप निराधार हैं। कल शाम को ये सूचना मिली कि कल शाम को बिना अनुमति के भारी संख्या में कुछ लोग जुलूस निकाल रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जनपद मेरठ पिछले कुछ समय से कितना संवेदनशील रहा, यहाँ के संभ्रांत व्यक्तियों और पुलिस प्रशासन की मेहनत से सारी स्थिति पटरी पर लाई गई। उन लोगों से जब कहा गया कि आप लोग कोई अनुमति है कि नहीं, उन्होंने अनुमति ने बताया कि कोई अनुमति नहीं है। इस पर उन लोगों से वहाँ से डिस्पर्स हो जाने को कहा, थाना प्रभारी द्वारा कहा गया और वो लोग वहाँ से डिस्पर्स हो गए। इतनी पूरी बात है। और इस संबंध में जो बिना अनुमति के जुलूस निकाला जा रहा था, ये मुकदमा लिख के विवेचना पंजीकृत की गई है, वो कार्रवाई की जा रही है। सर, बताया जा रहा है कि परिजनों के आरोप है कि पुलिस ने पीटा, लाठी चार्ज है, ऐसे सारे आरोप निराधार हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको बता दें कि दिल्ली की ओखला विधानसभा सीट से चुनाव जीतने वाले अमानतुल्ला खां मूल रूप से मेरठ के अफगानपुर के रहने वाले हैं। अमानतुल्ला खां की जीत पर उनके परिजन और रिश्तेदार मेरठ में जश्न मना रहे थे। यूपी पुलिस पर आरोप है कि जश्न मना रहे लोगों और अमानतुल्ला खां के चचेरे भाई से पुलिस ने अभद्रता की और मारपीट भी की। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खां की भतीजी, परिजनों और रिश्तेदारों ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर पुलिस पर यह आरोप लगाया है। मेरठ से उस्मान चौधरी की रिपोर्ट, यूपी तक।